नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जीशान जावेद आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा तरीन खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के 6 साल के शासन की उपलब्धियां बताने के लिए रीवा में सामने आए पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को एक एक करके गिनाया। आइए आपको सुनाते हैं रीवा विधायक ने मोदी शासन काल को किस तरीके से उपलब्धि बताया। बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति वाला प्रधानमंत्री और बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार की यूजीएस को जरूरत थी। मोदी जी ने उस कल्पना को पूरा किया है, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया, और इसलिए ये जो एक वर्ष है मोदी जी के ये स्वर्णिम वर्ष के रूप में लोकतंत्र की स्थापना के बाद ये जो वर्ष है, क्योंकि इसने देश के उन कमियों को दूर किया जिन कमियों के कारण देश पूरी रफ्तार के साथ लड़ाई लेके खड़ा नहीं हो पा रहा। उन कमियों को दूर करने का काम के ये इतिहास में स्वर्णिम अक्षों में मोदी जी का ये एक वर्ष याद किया जाएगा। आर्थिक सुधार की दिशा में एक बड़ा काम किया मोदी जी ने। 10 सरकारी बैंकों का विलय उन्होंने 4 बड़े बैंकों में करने का जो एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, और फिर इन चारों बैंकों को 55,250 करोड़ के बेल आउट पैकेज की जो घोषणा की, जिस देश के बैंकिंग कमजोर हो गए उस देश की आर्थिक तरक्की की कल्पना हम नहीं कर सकते, और न ही देश के नागरिकों को बैंकों से इस प्रकार की राहत मिल पाएगी जिस राहत के बिना देश तरक्की के वादे पर आगे नहीं बढ़ सकता है। जो 6 देशों का एक ऐसा गठबंधन है जो आयात और निर्यात में न्यूनतम ड्यूटी लगती है, और उससे हमारे देश को कम फायदा हो रहा था और चीन जैसे देशों को ज़्यादा फायदा हो रहा था। महात्मा गांधी जी भी कहा करते थे कि देश सरकारें वही निर्णय करें जिस निर्णय से देश के गरीब छोटे व्यापारियों का किसानों का भला उसमें होता है कि नहीं होता है, वही सही निर्णय है। इस सूत्रवाक्य को ध्यान में रखकर मोदी जी ने यह फैसला किया कि हमारी स्थिति से बाहर आएंगे, यदि हमारे छोटे व्यापारियों और किसानों का इसमें हित जुड़ा नहीं है तो इसमें हम शामिल नहीं रहेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।